That is just picked up, KTN. Which are they? 7-1-1. Can you just pay for my leg? That's right. You can do that all over India. देखिएगा ये क्या हो रहा है, आप जरा इसका अंदाजा लगाइएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर हैं, ये जो गोलगप्पे खा रहे हैं ना सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अब गोलगप्पे खाने के बाद अभी पेमेंट की बारी आती है, तो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्टर परेशान हो जाता है कि यार इंडिया इतना डेवलप हो गया। आई लव इंडिया, आई बीन टू इंडिया 6 टाइम्स, 1 टाइम पाकिस्तान, 6 टाइम्स इंडिया। What was your experience in India? अब मुझे लगता है कि हमारा इंडियंस के साथ ना इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीए सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीए सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। ये रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में 16,000 से भी ज्यादा मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया है, ढा दिया है। भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई के जरिए। ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं, वो ये कह रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो नेबर है। तो लिटरली मैं नहीं मानती, क्योंकि यहाँ हम लोग गुलाम बने हैं। ये अब जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको मेड इन चाइना ही नजर आएगा, मेड इन पाकिस्तान तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। हमें मोदी साहब दे दे, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, अनवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए। Lots of temples, I love the temples. Color, lots of music. Lots of shiny saris. गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा यार, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान बहुत पीछे है, भारत ने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर इतना अपना असर रसूख कायम कर लिया है कि वो अकाउंट्स बंद करवाने पे आ गया है। आपको नहीं लगता कि कल अगर पाकिस्तान अपने मफाद की बात करेगा तो भारत उसको भी बंद करवाने के लिए आ जाएगा? साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, साहिब ईमान। इंडियंस आर क्वाइट काइंड पीपल, आई फाइंड दे आर वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन सो आई क्वाइट लाइक दैट एंड आई थिंक ऑल ओवर इंडिया द पीपल आर वेरी डिफरेंट। पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहां हम ही ग्रेट हैं। हां, तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीए सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीए सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे, इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें, वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं और मजे ले रहे हैं। कल ऑस्ट्रेलिया मैच जीता हम लोगों को, 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया मैच जीता हम लोग, हार्ट ब्रेकिंग था, मैं आपके साथ थी भी लाइव पे, हम लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन ठीक है, जो जीतता है वो जीतता है। उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया वो नींबू पानी वाली को? वो कह रहा हाँ सर, मैं मुझे मिल गया, I have received. And he was so shocked कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है, एंड ही वॉज लिटरली शॉक्ड के 12 रुपए नींबू पानी का
मैंने फोन से पे किया है थ्रू UPI। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है पाकिस्तान का निजाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का, हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चर तोड़ो? नहीं, देखें अगर चर्च तोड़ने की बात है ना। नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक पैसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के, चलो जो भी अहकाम थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान के, पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना, गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पर रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह, सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई मुसलमान मुल्क तो है नहीं, वो भी तो काफिर हैं, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम है। अगर हिंदू के लिए बनाया ले रहे हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं कि हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना, तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है ना, तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना, तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं के बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, कंगाल मल के, ठीक है ना, मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाने, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क हो ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने, मैं तो ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता मैं, ठीक है, मुस्लिम होता लेकिन मैं इंग्लैंड में पैदा होता। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखें सर, आपका तो उनका कोई कंपेरिजन नहीं बनता। IT इंडस्ट्री की बात छोड़ें, वो जो मुल्क है भारत, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बनकर उभर रहा है, उसकी जो बेस है ना वो IT के ऊपर ही है। उनके जो IT एक्सपर्ट हैं वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, और IT इंडस्ट्री जो है उनकी वो इस वक्त अमेरिका और यूरोप को कम्पीट कर रही है।